आप बस एक दो दिन तो लगेंगे पेमेंट में। हाँ, मिल जाएंगे, लेकिन एक बात है, मैं इस फिल्म में सिर्फ हीरो नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हूंगा। पैसे कमाऊंगा ना फिर, इतने पैसे लगा जो रहा हूं। हाँ, ओके। जी राजा साहब, क्या सीन है, पेमेंट कब आएगी? आज मिल जाएगी? बस आज पेमेंट मेरे हाथ में होनी चाहिए। आपको पता है ना, 1 महीने का टाइम उनसे लेने, सामान बाद में मिलेगा। ओ, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। क्या है? वो राशि साहब, बड़े साहब कब आएंगे? तुझे क्यों बड़े साहब याद आ रहे हैं इतना? ख्याल रख तो रहा हूँ तेरा, क्या चाहिए अब? अरे नहीं, बस वो यूं ही पूछ रहा था मैं। चल जा यहां से, पूछे बगैर मत आया कर अंदर। बात हुई उस बेवकूफ से? हाँ, हो गई, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उसने तो अपनी मशीन ही तक बेच दी। तो फिर कल का टिकट करवा लूँ? हाँ करवा लो। और हाँ, जो कुछ भी करना है पैसे मिलने के बाद करना, इससे पहले कि उसे अकल आ जाए। इंसान को अकल नुकसान उठाने के बाद ही आती है। अभी तो वो फिल्म और तुम्हारे इश्क में पागल है। अभी तो वो सस्ते में छूट रहा है। जितना नुकसान उसने मेरा किया है, उसका बदला पैसे नहीं, गोली था। खैर, तैयारी कर लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए शाकिर साहब, बैठिए। वो किराएदार का क्या हुआ? अब मैंने आपसे कहा था कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पे देना है। जी जी हो जाएगा, बस आप मुझे 2 दिन दे दें, हो जाएगा। ये राशिद साहब यहाँ क्या करने आए? कौन, ये राशिद मुख्तार, इनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो अभी निकल के गए। उनकी जमीन थी और एक दुकान, वो बेची उन्होंने।